एक और बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आपको बता देते हैं। फोम के गोदाम में भीषण आग लग गई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। फिलहाल कोई जनहानि की सूचना अभी तक नहीं आई है। ग्रेटर नोएडा के एकोटेक 3 कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं और कोशिश यही है कि आग पर काबू पा लिया जाए। फिलहाल कोई जनहानि की सूचना तो अभी तक स्पष्ट नहीं है। तो ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। फोम के गोदाम में भीषण आग लग गई है। हालांकि आग की वजह क्या रही ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम इस समय दिखा रहे हैं। काले धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आ रहा है। भीषण आग जिस तरीके से गोदाम में लगी है, काले धुएं का गुब्बार यहां से उठ रहा है। हर संभव कोशिश की जा रही है ताकि इस आग पर काबू पा लिया जाए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। भीषण आग लगी हुई है और इस आग में से काले धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कारण क्या रहे आग लगने की अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जनहानि की भी कोई सूचना अभी तक नहीं मिल पा रही है। वसीम सैफी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। वसीम, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, भीषण आग लगी हुई है। सबसे पहले अपडेट बताइए क्या है और क्या आग लगने का कारण पता चल पा रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि ग्रेटर नोएडा के इकोटेक थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर एक गोदाम में आग लग गई है। गोदाम में ये फैक्ट्री का गोदाम था, जहाँ पर फॉर्म बनाने की कंपनी जो है अपना गोदाम इस्तेमाल करती थी, जहाँ पर जो रेडी स्टॉक था उस रेडी स्टॉक को वहाँ पर रखती थी, जिसके चलते शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है। आग लगने के कारण जो शॉर्ट सर्किट बताया जाता है, जहाँ पे कई लाखों रुपए का उनका नुकसान होता है। जी, कोई जनहानि की सूचना तो अभी तक नहीं? अभी आला अधिकारी जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कोई जानहानि नहीं हुई है। लेकिन अभी वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। लगातार जो टीम वहां पर गठित की गई है, लोग उनको पूरा सर्च किया जा रहा है, जिस तरीके से पूरे मामले को। वसीम, क्या अभी आग पर काबू पा लिया गया है? जी बिल्कुल, आग तरीके से काबू पा लिया गया था। हालांकि दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी, जो वहां पर वर्कर थे उन्होंने तत्काल सूचना पुलिस को दी थी और फायर ब्रिगेड टीम वहां पर मौके पर पहुंची थी। उन्होंने तत्काल जो है पानी की बौछार से उस आग को काबू पा लिया है। और हालांकि तो इतना देखा जा रहा है कि उसमें कितना नुकसान हुआ है, क्या कोई जनहानि तो नहीं है, कोई आदमी इस आग का शिकार तो नहीं हुआ, ये टीम उसमें जाँच की जा रही है। जी शुक्रिया वसीम आपका इस पूरी जानकारी के लिए। भीषण आग लगी, हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है।